अंकल किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? मैं फिलहाल तो नवाज शरीफ को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन हमें जो वज़ीर आज़म चाहिए वो ऐसा चाहिए जो ये कहे कि मैं IMF से कर्जा नहीं लूँगा, मैं खुदकशी कर लूँगा। हमें ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए जो इसको क्या कहते हैं साथ बनी गाला हो और चंद कदम के फासले पे वो हेलीकॉप्टर पे आए। हमें ऐसा वज़ीर आज़म चाहिए, ये खूबियाँ होनी चाहिए उसमें, ये कैटेगरी उसमें होनी चाहिए। शहबाज शरीफ अभी वज़ीर आज़म है और उन्होंने अभी IMF से कर्ज़ा ले लिया है, तो अब क्या इरादा है आपका, उनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल करूँगा। लेकिन अभी तो मुझे आप कह रहे हैं कि आप जो कर्ज़ा लेने वादा करता है कि मैं खुदकशी कर लूँगा, वो आने से पहले बेल फाड़ देता है। वो कहता है कि जो अगर बिजली का बिल अपना पेट्रोल ज़्यादा होगा महंगा होगा तो वज़ीर आज़म समझो करप्ट है। ये उसमें खूबियाँ थी या खामियाँ थी, मैं आपसे ही पूछता हूँ। उनकी जो हमने आवाम की राय ली, खूबियाँ ही जलवाई हैं आवाम ने, जो जो उसने बातें की हैं सब के उल्टे चढ़ा है। अगर इंसाफ पसंद है हेलीकॉप्टर पे कौन इतना खर्चा करता है? ये तो नवाज शरीफ भी अपने दौर में खाने मंगवाते थे हेलीकॉप्टर, डाकू थे लुटेरे थे उनमें हर बुराई थी। आप फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ। लेकिन अब वो तो आप अभी कह रहे हैं वो चोर थे। वो चोर थे ना बकौल इमरान खान के, लेकिन वो तो साफ सुथरा था। और आपकी रिस्पत वो तो चोर थे ना, मैं कहता हूँ वो चोर थे ना जो आए हैं इमरान खान, जो इमरान खान आए हैं वो चोर थे, डाकू थे। नहीं, वो चोर थे ना, डाकू थे ना, नहीं चोर थे डाकू थे। हाँ ओहो, तो ये तो जो आए हैं नहीं जो तरीके भाई, एक चीज बताइएगा, मेरा आज का यही टॉपिक था कि अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है क्या करेंगे हम? उसके लिए ना अपनी जान भी दे सकते हैं, हम अपने बच्चे तक कुर्बान कर दे भाई। इमरान खान एक ब्रांड है, एक जुनून है भाई, क्योंकि वो करप्ट नहीं है, बेईमान आदमी नहीं है, ठीक है। तो ये आदमी सच्चा इंसान वो आदमी है भाई, तो ये आदमी यार मुझे तो इसकी समझ नहीं आ रही कैसे कुछ लोग रहते हैं। ठीक है, ना इतनी ज्यादा वो जोश हो चुकी है यहाँ पे, जो हमारा मामला है वो ज्यादा करने वाला आदमी वो है जिसने सारी जिंदगी इमरान खान ने देखो कितना बड़ा था। तकरीबन भी भाई जान है पूरे पाकिस्तान दे विच उन्हें गल कीती सी, इधर आए जी अंकल जी इधर आए जी, उन्हें क्या जी ज्यादा उम्र दे जड़े बाबे ना उन्ना तू जान छड़ाओ इंशाल्लाह। बाकी मेरे जड़े चाहन वाले ने बच्चे ने जो तो वड्डे होए ना तो इंशाल्लाह मेरी सपोर्ट करेंगे, उन्हें पता सी उन्हें सारी जितनी जूत खलोती है ये सारी इंशाल्लाह उदा साथ देगी। अल्लाह दे क्यों करते हो ना, वो बेईमान ने करप्ट लोग ने जिन्हें तुसी साथ देंदे हो। गल है मेरी जान है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दफा करने वाला बंदा कौन है, तुहाडा हुक्मरान अज तक तुसी दसो केड़ा हुक्मरान ऐसा जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दफा कीता होवे। बुट्टू फांसी किस चढ़ाया, बुट्टू फांसी किस चढ़ाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ब्लैकमेलर हर शहर में देख लो, जेड़े लोग गलत हो नून लीक नाल नून लीक सन के दिता सन भुख तस दी है झूठ दिता ब्लैकमेलिंग दी है गुंडागर्दी दी है सब कब्जा ग्रुप पे लैंड माफिया हाउसिंग सारा तबाह हो गया हर शह बर्बाद हो गई है सिर्फ इमरान खान इस मुल्क नु बचाई पिया बाकी और केड़ा लीडर सब गद्दार सब तो वड्डा गद्दार कौन है जेड़ा झूठ बोलदा जेड़ा मुनाफिक है जेड़ा नस जांदा दौड़ जांदा है। एक भुट्टो लीडर सी ते एक इमरान खान लीडर है
पाकिस्तान वापस आ सी ते मैं उसनु हार पासा ओ हार पासा जेड़ा किसी नहीं पाया। भजन जब से हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं आप हमारे साथ खड़े हैं, आवाम यहाँ की कितनी जज्बाती है, क्या क्या यहाँ पे बहस हुई आपको सब पता है, क्या रिजल्ट निकाला है ऐसे आपने? सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आप एक पब्लिक प्लेस पे आए और एक ओपिनियन आप ले रहे हैं आवाम से। हम अगर इस बात को छोड़ें कि जोराबाद अब पूरे पाकिस्तान को देखें, मुझे एक बात का अफसोस होता है कि पढ़े लिखे जवान MPhil होंगे PhD होंगे और डिफेंड को किस कर रहे हैं, चोर को डाकू को। अगर मैं ऐसा ही है कि मेरे घर में कोई मेहमान आए, मैं उसको एक हफ़्ता दो हफ़्ते रखूं, एक हफ़्ते बाद वो चोरी करके चला जाए, फिर मैं उसकी तारीफ़ें कर रहा हूं। हमारे मुल्क में हुक्मरान आए 35 से 40 साल हुक्मरानी की और हमारे मुल्क के जो हाल हुआ हम सब के सामने है। अब ये कहते हैं कि इमरान खान ने क्या किया, 3 साल में क्या ठीक हो जाएगा, कुछ भी नहीं ठीक होना। अब ये कहते हैं कि रियासत मदीना नहीं बनी, प्यार नबी को रियासत मदीना बनाने में कई साल लगे थे और वो कौन थे, अल्लाह के नबी। अब जैसे भाई ये डिफेंड कर रहे हैं चोरों को, पूरा पाकिस्तान भी कर रहा है डिफेंड कर रहा है, तो इससे ये एक अलमिया है हमारी कौम की। अब जो पॉजिटिव चीज़ है कि लोगों में अवेयरनेस आ गया है, लोग क्या कर रहे हैं कि अगर कहीं कोई महंगाई होती है वो चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं। अभी आपने एक सवाल किया था वहाँ पर और दूसरे भाई ने कि ये जो पेट्रोल महंगा हो रहा है, अब इमरान खान ने जब पेट्रोल 150 में दे रहा था ये कह रहे कि जो महंगा हो गया। अब इमरान खान तो चला गया, अब जब ये आए ओगरा ने कहा कि भाई इमरान खान तो आपको 40-45 रुपए नुकसान पे दे रहा है, कौन अफोर्ड कर रहा है मुल्क का खजाना पैसे दे रहा है, अब ये कह रहे हैं हम उसको महंगा करेंगे, अब महंगाई कौन कर रहा है, ये करें या वो करें। तो अगर इलेक्शन वक्त पे हो जाते हैं तो इंशाल्लाह अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इमरान खान साहब को अगर कुछ खुदा ना खास्ता हो जाता है क्या करेंगे? नहीं अल्लाह ना करे, क्या करेगी? नहीं अल्लाह ना करे कुछ हो, क्योंकि कोई हो ना हो मुल्क चलते रहते हैं। बेनज़ीर जब गई थी तो वही मुल्क चल रहा है, इमरान खान नहीं होगा तो कोई और होगा। तो मैं तो ये चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी भी इमरान खान को लग जाए, क्योंकि ऐसे लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। इमरान खान जिंदाबाद। माशाल्लाह जी, आपने हमारी जहाँ पे जोराबाद की आवाम का जज्बा जनून इमरान खान साहब के लिए देखा है, और हम किसी पार्टी को बुरा नहीं कहते, नून लीग के जो जितने भी सपोर्टर थे हमने उनकी भी रिव्यू लिए, उनका भी सेम जज्बा है अपने लीडर के लिए। तो हम मज़ीद आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Trying to play it cool.